सत श्री अकाल जी, पंजाब हरियाणा हिमाचल तुसी देख रहे हो, मैं हाँ थोड़े नाल परमवीर सिंह औलख। तो अज गल करांगे अहम मुद्दे की। मुद्दा की है? बंगाल का। पछमी बंगाल सने पांच सूबे के अज नतीजे जो ने ऐलाने जाने ने। चोणा हो चुकी है, वोटों की गिणती जारी है। तुहानू दस दिए दर्शकों के 100 तो पार दोनों TMC भाजपा पार कर चुके ने। जो वोटा ने, जो सीटा ने, 100 तो पार हो चुकिया ने। हालांकि TMC अगे चल रही है, तो कांटे की टक्कर है, दो चार सीटा का ही हेर फेर है। सो पांच सूबियां दे नतीजे ने बंगाल, असाम, तमिलनाडु ते केरल दियां चोणां दे। तुहानू दस दईए केंद्र शासित प्रदेश पुंडचेरी दे वी अज ही नतीजे ने। पछमी बंगाल च 292 सीटां ते होईआं ने चोणां। ममता सने बंगाल दे 37 मंत्रियों की किस्मत अज दांव ते लगी हुई है। सरकार बनाउण लई जरूरी अंकड़े, बंगाल च सरकार बनाउण लई 147 सीटां जरूरी ने। असाम च सरकार बनाउण लई 64 सीटां जरूरी ने। इस दे नाल ही तुहानू दस दईए जेकर केरल की गल की जाए तो केरल च सरकार बनाने 71 सीटां जरूरी ने। तमिलनाडु च 118 सीटां जरूरी ने। पुंडचेरी च सरकार बनाने 16 सीटां जरूरी ने। सो ये अंकड़े असीं तुहानू दिखा रहे हां कि तमिलनाडु दे विच 118 सीटां चाहीदियां ने जितण वास्ते। जेकर बहुमत हासिल करना है किसी पार्टी ने तो बंगाल दे विच 147 सीटां चाहीदियां ने, असाम दे विच 64 चाहीदियां ने, 71 सीटां होनियां चाहीदियां ने केरल दे विच। तमिलनाडु च सरकार बनाउण लई 118 सीटां दी लोड़ है। जेकर गल कीती जावे पछमी बंगाल दी तां TMC 137 ते पहुंच चुकी है, जबकि BJP 116 ते है। तुहानू दस दईए कांग्रेस दे पक्ष च 5 सीटां आईआं ने, ते जेकर होरना की गल करिए 0 सीटां ने। 4 सूबे यानी कि एक केंद्रित शासित प्रदेश पुंडचेरी, 5वां सूबा ओह। 5 सूबियां दीआं चोणां लगातार देश भर दे जो लोग ने उन्हां दे इंतजार कर रहे ने, निगाहां टिकियां होईआं ने बंगाल दे उत्ते। एक सौ 16 सीटां ते BJP है, TMC जो है वह 137 सीटां ते है। पछमी बंगाल की गल कर रहे हैं असीं। तमिलनाडु की गल की जाए तमिलनाडु च भी जो सीटां ने वह भी पार्टियां जो ने वह लेंदियां दिखाई दे रही ने। असाम की गल की जाए BJP 66 ते है, कांग्रेस 28 ते है। केरल की गल की जाए तो लेफ्टिनेंट जो है 90 के करीब पहुँच चुके ने। तुहानू दस दईए कि लगातार जो निगाहां लोगों दीआं टिकियां होईआं ने, ते एक बार माहौल फिर गरमा चुकिया है देश का, क्योंकि 4 सूबे ते एक केंद्र शासित प्रदेश यानी कि 5वां सूबा, निगाहां सारियां दीआं टिकियां होईआं ने। जेकर BJP की गल की जाए तो भारतीय जनता पार्टी पहलां नालों वधिया जो है उसका रहा है इस बार, तो 116 सीटां ते पहुँच चुकी है। तो TMC जो है वह 137 सीटां ते है। हालांकि बंगाल की जिहड़ी नंदीग्राम सीट है ममता बैनर्जी उस तो पिछे चल रहे ने। तो हुण तक गल की जाए लगातार जो नतीजिया दे उत्ते, हालांकि जेकर पंजाब की गल की जाए पंजाब भी जो है नुमाइंदे उन्हां दियां भी निगाहां टिकियां होईआं ने। केंद्र शासित प्रदेश पुंडचेरी दे भी नतीजे अज ही आउणे ने, ते कुछ ही समय दे विच नतीजे आ सकदे ने, क्योंकि 147 सीटां चाहीदियां ने ते TMC 137 तक पहुँच चुकी है। 10 सीटां दा हेर फेर रह गया है सिर्फ ते सिर्फ, ते 116 ते BJP है, भारतीय जनता पार्टी।
देशों विदेशों च लोग यही सोच रहे हैं कि बंगाल च किस दी सरकार बनेगी। बंगाल ते निगाह टिकिया हुई ने क्योंकि कांटे की टक्कर है भारतीय जनता पार्टी अते ममता बैनर्जी विचाले। ग्राफ इस बार भारतीय जनता पार्टी का काफी वधिया रहा है। सो इसे ते अज गलबात करांगे, चर्चा करांगे, साडे नाल कांग्रेस के बुलारे प्रिंस खुल्लर जी जुड़ चुके ने। खुल्लर साहब बहुत बहुत स्वागत है साडा जी पंजाब हरियाणा हिमाचल ते। थैंक यू परम जी। खुल्लर साहब सब तो पहलों गल करांगे बंगाल की, जिवें कि नतीजे तुसीं देख रहे हो, हालांकि भारतीय जनता पार्टी का पहलों नालों ग्राफ इस बार काफ़ी वधिया रहा है क्योंकि 100 तो पार जिथे टीएमसी 137 ते पहुंच चुकी है उत्थे भारतीय जनता पार्टी जो है वह भी 100 तो पार कर चुकी है, सिर्फ 10-12 सीटां का हेर फेर रहिंदा है। किवें देखदे हो पार्टी नूं जी? देखो परम जी, गल ये आ कि पहलों तो हले थोड़ी जी आपां नूं वेट करनी चाहिए है। जिहड़ा टीएमसी का मैनूं लगता कि बहुत अगे जाएगा आंकड़ा, क्योंकि हले तो 1.5-2 घंटे तो ही शुरू होया वा जिहड़ा इन्हां दी काउंटिंग है, और यह मैनूं लगता कि टीएमसी उत्थे सरकार बनाऊगी। जितों तक बीजेपी की गल है जी, देखो परम जी, सारे जानते हैं असीं कि बीजेपी ने उत्थे तेल का जोर लाया, टीएमसी दे इंपोर्ट किए एमएलए, अपने एमपी उतारे, एमएलए दी इलेक्शनां च मंत्री उतारे, और जो हैलीकॉप्टर तो लैके होटलों तक पैसे का हर एक जोर इन्हां लाया। सो ये देखो शुरू तो ही बीजेपी वालों की आदत रही है कि जी आप किसी तरीके स्टेटा के अधिक, चाहे अधिकारों की गल हो, चाहे उन्होंने कब्जा करने की गल हो, इन्हों वालों तो कोई कमी पेशी नहीं रही। सो हले आप थोड़ी वेट करिए, मैं लगता कि ये टीएमसी इतने पूर्ण बहुमत न सरकार बनाऊगी अपनी। नहीं बिल्कुल खुल्लर साहब, वो तो चलो आने वाला समा दसेगा कि बहुमत न सरकार बनती है टीएमसी की या भाजपा की, पर मैं थोड़े नाल विचार ये कर रहा सीगा कि जेकर पिछली इलैक्शन की गल की जाए तो भाजपा की परफॉर्मेंस काफ़ी वधिया रही है, मैं ये गल तुहानू पूछ रहा सीगा। बिल्कुल, मैं उदा परम जी तुहानू जवाब दिता कि परफॉर्मेंस देखो कई जगह तो इन्होंने कम किया, इन्हें टीएमसी तो अपने वाल जिहड़े साडे विधायक सी ओ इंपोर्ट किए अपनी पार्टी च लै के आए, और अपना मंत्री सारे उतारे, अपनी एमपीज भी उतारे, उत्थे सारी इन्हें मशीनरी का उत्थे किया। 70 रैलियां मोदी अमित शाह जी ने कीतियां, 20-25 रैलियां मोदी जी करके आए, जबकि दूजी लहर कोविड की चल रही सी, और तुहानू शायद याद होएगा जिहड़ी रैली एक कीती सी उत्थे मोदी जी ने, तो उन्होंने ये वर्ड सी जी मैं इन्नी भीड़ नहीं देखी, 237,000 लोग उत्थे आए ने, उधर कोविड नाल लड़ रहे सी आपां, ये अपनियां चुनावां च बिजी सी। सो ये जिहड़ा तुसीं कुल मिला के देखो इन्हां दा जिहड़ा रिहा वा मॉडस ऑपरेंडी, वो यही रिहा वा कि जी असीं किसे ना किसे खरीदो फरोख्त कर लीए, या अपने मंत्री उत्थे उतारीए, विधायक दूजी पार्टियां दे करिए, और उन्हों करके ठीक है। अज जो है जी लोगों का स्वीकार करना पेगा, जो भी है जी पहले नो तो ठीक है, परफॉर्मेंस इन्हों की वधिया है जी बीजेपी की, इस कोई डाउट नहीं है, जो रुझान आ रहे हैं। जेकर खुल्लर साहब कांग्रेस की गल की जाए तो काफ़ी ग्राफ डाउन रहा है शुरू तो ही, तो इस बार भी 6 सीटा ही लगभग पहुँच पाई है कांग्रेस, किवें देखते हो उस फेलीयर किसका मानते हो उस? देखो उहदे च कांग्रेस का फेलीयर जिहड़ा हैगा जी, वह किस दा मनन की गल नहीं हैगी, कलैक्टिव जिम्मेदारी हुंदी है जी सारयां दी। वह असी हुण देख रहे हैं जी रुझान आउंदे आ, फिर देखदे हैं जी कित्थे कमी पेशी रही है जी, उह आत्म मंथन की लोड़ है कांग्रेस नूं, वह असी करांगे जी, जो जना देश आ वह तो सानूं सिर मत्थे लैणा ही पैणा वा जी जो हैगा, बट असी देखांगे कित्थे साडे को कमियां रहियां ने, कित्थे की प्रॉब्लम रही है, उहदे ते पार्टी मंथन करेगी जी। पश्चिमी बंगाल की गल करिए पिछले 10 साल तो ही कांग्रेस काफी बैकफुट ते रही है, की कारण की रहा है कि 10 साल के बाद भी आज कांग्रेस उत्थे दी उत्थे है? देखो उत्थे जिहड़ा हैगा वा जी, उत्थे जिहड़े लोकल तमिलनाडु दे इशूज ने या दूजे ने, वह किते ना किते असी समझते हैं कि लोगों च असी वो गल नूं पहुँचा नहीं पाए, या उस गल नूं पार्टी दे अपने रख नहीं पाए, क्योंकि ज़्यादा देखिए पहलों लैफ्ट दा 34 साल राज रहा जी, उस तो बाद
टीएमसी ने 2011 तो उतों ममता जी ने सो शुरू तो ही तुसी पिछोकड़ ही देख ली आपां ते उहदे च लैफ्टिस्ट दा राज रहा वा सो किते ना किते पार्टी की कमी रही है जां साडे तुसी कहो जी जिहड़ी आपां गल जिहड़ी सी पंचौन च असीं नाकामयाब होए आ उत्थे बट उहदे बावजूद लास्ट टाइम ही असीं 44 सीटां सीगियां उस तों पहलों 26 सीटां सीगियां कांग्रेस दीआं जी सो हुण देखदे आ जी हुण दा जिहड़े रुझान आ रहे ने जदों रिजल्ट आउंदे ने फाइनल जी की सिचुएशन है फिर उहदे च मंथन कीता जाऊगा जी पार्टी वल्लों किथे की कमी पेशी है या किस तरह इहनूं होर कर सकदे आपां जी बिल्कुल है कुलर साहब जेकर गल की जाए होरना सूबों की तीन होर सूबे ने चार सूबे ने ते एक केंद्र शासित प्रदेश भी है पुंडचेरी उहदे भी कितने ना कितने कांग्रेस जो है पछड़ती दिखाई दे रही है जेकर तुसी तां बंगाल की गल की है कि साड़ियां कमियां रही ने हालांकि केरल दे विच काफ़ी वधिया परफॉर्मेंस है पर जेकर गल की जाए तमिलनाडु की तो पछड़ती दिखाई दे रही है उत्थे भी की कारण है देखो जिहड़ा तमिलनाडु दा हैगा जी मैं ओह कहा कि आपां परम जी हले एक वारी रिजल्ट आ लैणे शुरुआती रुझान ने उहदे च आपां देखदे आ जी किथे की हैगियां ने उही पार्टी दा कोई भी हुंदा वा जी ठीक है जिहड़ी मैं ते गल कह ही रहा जी जिहड़ा जनादेश है ओह सानूं स्वीकार करना पएगा उस तों बाद जिहड़ा हैगा देखदे आ जी किथे की इशूज ने एक्चुअली गल इह आ जी इहनां दा जिहड़ा इहनां ने इस वेले सरकार दी मशीनरी और जो पैसे दा बल प्रयोग किया वा बीजेपी ने सारी अपने इन्हों मिनिस्ट्रियां सारा कुछ इन्होंने उत्थे झोकिया वा सो कि ना कि भी असर है जी जी जेकर भाजपा आगू की गल करिए भाजपा वर्कर या आगू के गड्डी चो एक मशीन मिली सी ईवीएम मशीन उसनू किवें देखते हो पछमी बंगाल दे विच काफ़ी सुरखियों के मुद्दा छाया सीगा उसनू किवें देखते हो अज दियां जे इलैक्शन दे नाल जोड़ के देखा जाए तो परम जी देखो ये कोई पहली बारी तो होया नहीं जी इन्हां दे देखो चाहे वह एम एल ए होन या सांसद होन अगे भी इन्हां दे वर्करां कोलों ईवीएम मशीन मिलदियां रहियां बाद चो इन्हां ने गल होर तरह करती कि जी इहदे च दी सानूं गड्डी खराब हो गई देखो बिना सिक्योरिटी दियां किते किते ना किते ते सवाल हैगा ही जी इलैक्शन कमिश्नर ते तुसीं देखो इन्हां नूं जदों इलैक्शन कमिश्नर ने जदों आ बंगाल दियां 8 फेस च इन्हां ने चोणां कराईआं एज पर देयर ओन सूटेबिलिटी बीजेपी ने और जिहड़ा इलैक्शन कमिश्नर रिटायर होया उहदे 3 दिन बाद उहनूं गोवा दा गवर्नर लाता सो ये जिहड़े जिहड़े हैगे ने जिहड़ियां इंस्टीट्यूशन ने आ ये भी किते ना किते सवालां दे घेरे च ने जिहड़ियां संवैधानिक इंस्टीट्यूशन ने तुसीं देखो सुप्रीम कोर्ट ने इलैक्शन मद्रास हाई कोर्ट ने इलैक्शन कमिश्नर कमिश्न ते की टिप्पणियां कीतियां ने सुप्रीम कोर्ट ने कीतियां ने सारे आपां जानदे हां जी सो ये ते हर एक तरीके दे नाल मैं अग्गे दस्सिया कि बीजेपी दा इक्को वन पॉइंट एजेंडा वा कि बाई हुक बाई क्रुक आपां चाहे स्टेटा खोण दी गल होवे चाहे उत्थे राज करन दी गल होवे चाहे स्टेटा दे अधिकार खोने ने ते इह किते कसर नहीं छड्दे उह ते आपां देख ही रहे हां जी पिछले 6 सालां तों जी बिल्कुल खुल्लर साहब जेकर गल हुण असीं पंजाब दी करदे हां पंजाब च बीजेपी दा ग्राफ किदां दा देखदे हो तुसीं आउण वाले समें दे विच 2022 दे विच परम जी जिहड़ी गल हैगी आ अज दी डेट जी आपां देखदे आ बीजेपी दा कोई आधार नहीं आ देखो जिहड़े काले कानून किसान विरोधी कानूनां दी गल लै लईए इह जिहड़े लै के आए ने उहदे च बड़ा रोस है लोकां दे मनां दे विच साडे किसान वीर जथेबंदियां पिछले 5 महीने तों उपर दा समां हो गया उत्थे बैठियां ने सो जिहड़ी पंजाब इकाई आ बीजेपी दी इह किते अपने नंबर बणाउंदी रही आ बजाए इह समझाउण दे हाई कमांड नूं कि पंजाब दी सिचुएशन अलग आ सेंसिटिव स्टेट हैगी आ इहदा मुद्दा हल कराउणा चाहीदा इहनां दा फेलियर रहा और अज तक 400 दे करीब जानां चला गईआं ने जी एग्जैक्ट मैनूं फिगर जिहड़ी मैं शायद गलत कहंदा होवां 400 तों ज़्यादा ही होणगीआं जानां चले गईआं ने कोई अज तक प्रधानमंत्री जी ने एक स्टेटमेंट नहीं दित्ती उहदे बारे और इत्थों इहनां दी संवेदनशीलता पता लगदी है ते अहंकारी रवैया और जे कोविड दी गल लै लईए हुण देखो तुसीं जो हाल मुल्क दा हो रहा चाहे उह गार्डियन आ न्यूयॉर्क टाइम्स ने बाहरों जिहड़ा हैगा सारे जिहड़ी इहनां दे साडी कर रहे आ बेइज्जती जो कराई है मोदी जी ने ये कहिंदे सी जी मैं भारत दा नाम बड़ा उच्चा लैके गया वा ते अज देखो की उह कर रहे ने तुहाडे सामने आ जी मीडिया दे कोई लुकिया नहीं है सो ये किते ना किते बड़े शर्म दी गल है कि जिहड़ा अपने भारत दा किते नाम सी सिर्फ अपनी वाहवाही लई करदे रहे अज वैक्सीन दी देखो कमी है 6.5 करोड़ तुसीं बाहर भेजती आ वैक्सीन दी घाट है 1 तरीक तों ड्राइव शुरू करनी सी वो इलैक्शन च इन्होंने जुमला देता बंगाल दी इलैक्शन च कि 18 तो अबव सारे नूं लगेगी 44 तक भी वो अज आ देख लो
अज 13 स्टेटा ने हथ खड़े करते हैं कि वैक्सीन ही नहीं हैगी, कंपनियां ने हथ खड़े करते हैं। जो रेट की गल हो, 3 रेट्स ने, उतना आप एक राष्ट्र की गल करते हैं और वैक्सीन के 3 रेट ने, एक किधर की गल है जी। बिल्कुल खुल्लर साहब, जे ऑक्सीजन दे नाल लोग सड़कां ते मर रहे ने, हस्पतालां च बैड नहीं मिल रहा जी। बिल्कुल खुल्लर साहब, जेकर गल की जाए कांग्रेस की, तो अंदरूनी पाड़ भी काफ़ी पै चुकया है, जिवें कि मुख्यमंत्री पंजाब ते नवजोत सिंह सिद्धू लगातार आपसी जो है तकरारबाजी हो रही है। लगता है कि आने वाले समय से कोई ना कोई होर पार्टी कोई लाहा खट सकती है इस अंदरूनी कलेश दे विचों। परम जी गल ये आ, देखो पहाड़ वाली गल जितों तक देखो, नवजोत सिंह सिद्धू जी ने अज भी साढ़े MLA ने कांग्रेस पार्टी के, अज की तरीक च भी CM साहब इतने खुल के कह चुके ने, देखो सिद्धू साहब न कले सिद्धू साहब न दुख नहीं है, जे कोई सानू कोर्ट तो एडवर्स ऑर्डर आया वा एदा कले सिद्धू साहब न दुख नहीं है। ऑनरेबल CM साहब ने देखो असी सारे जानते हैं जितना 6 महीने सिट न फ्री हैंड दिता, रिपोर्टा बनिया, क्रिमिनल लॉयर टॉप दे सुप्रीम कोर्ट दे पहले दूजे नंबर वाले किते, उन्हां पक्ष रख्या। जे एक हुण जजमेंट आ गई है, अहीं सारे ही आहत हैं, जिहड़ी संगत आ सारी आहत आ पंजाब च, कि बाहर बैठे भी सारे गुरु साहब दे जिहड़ा उत्थे गोलीकांड होया, जिहड़ा उह कीर्तन कर रही सी संगत या लंगर दे विच, असीं सारे ही आहत हैं। सो किते ना जिहड़ी कोई गल है उह ट्वीट एक जरिया नहीं हैगा जी, विद इन दी पार्टी प्लेटफॉर्म एक कल्चर है कांग्रेस दा। तुसीं CM साहब नूं उस तरह तुसीं मिलन चले जांदे हो अपनी प्रधानगी वास्ते या अपनी मिनिस्ट्री वास्ते चर्चा करन चले जांदे हो, की गल ये चर्चा बैठ के नहीं सी हो सकती? बाकी MLA भी कीती है, CM साहब ने बुलाया, इन्हां दा फर्ज बनदा कि CM साहब नूं विद इन दी पार्टी लिमिट जाके CM साहब नाल गल करदे, उहदा वे आउट कढ रहे हैं। हुण आपां सेट बना रहे हैं, CM साहब ने कहा, तुसीं वी लाइव चलाया वा CM साहब दा इंटरव्यू, उहदे क्लीयर कट उहनां कहा जी असीं जिहड़ा हैगा वा जिहड़े कोई बख्शिया नहीं जाएगा। जितों तक बेअदबियां की गल है परम जी, वो आलरेडी चलान आप दे चुके हैं, FIR हो चुकी ने और ये कट्ठा जोड़ी जा रहे हैं गोलीकांड और बेअदबी। सो ये पार्टियां जिहड़ियां अकाली दल BJP आम आदमी पार्टी ये हाशिए दे ने, ये सिर्फ इतों राजनीति खोज रहे ने, जबकि संवेदनशील मुद्दा ये राजनीति करनी नहीं चाहिए आप सियासी लोगों, होर बड़े मुद्दे ने सियासत के उत्ते करो, जिहड़ा ये धर्म के नाल राजनीति नहीं करनी चाहिए। ਕੁਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਲਾਹਾ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖੱਟ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ BJP ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ BJP ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਖਿਲਾਫਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ? एक परम जी मैं तुहानू गल दस दिया, देखो तुसीं भी इन्नी कर रहे हो मीडिया इन्नी देर ना जुड़े हो, अज तुसीं इतिहास लै लो, कदी एक बंदे दे छड्डन ना या जुड़न ना पार्टी नहीं बनती जी, ना किसी दे छड्डन ना नुकसान हुंदा पार्टी नूं, ना किसी दे ज्वाइन करन ना फायदा, जरूर हो सकता वा थोड़ा बहुत, नुकसान कदी नहीं होया। जे आपां कहीए कि अज पार्टी चो ये बंदा चले जाएगा तो वो शायद पार्टी खत्म हो जाएगी, इस तरह नहीं हुंदा। हाँ जिहड़े ओपोजिशन इस वेले हैगी आ, आम आदमी पार्टी आ या अकाली दल ने BJP वाले ने, ए उदा खटन की कोशिश कर रहा लाहा, चाहे वह गोलीकांड का मुद्दा है, चाहे वह सिद्धू नूं लैके आ। देखो ये तो आप वाले का तो यह हाल हैगा, वे तो होका देंदे फिरते हैं, जिवें गली च आपां सवेरे वेखदे ना जी पिंडां च वह फड़ी वाले या दूजे होका देंदे आ जी आ जाओ, ये तो सारा नूं कहिंदे आ जी आ जाओ, इन्हां दा कोई अपना आधार ही नहीं, इन्हां नूं पता ही नहीं असीं की करना वा। दिल्ली इन्हां दा हाल देखो, हाई कोर्ट ने टिप्पणी की, लोगों का सुन लो, इन्हां दे अपने MLA कह रहे इस ते इत्थे गवर्नर ही रूल लाओ। सो इन्हां दा ते कोई स्टैंड ही है नहीं है जी, इन्हां दे उत्ते कुछ भी मतलब, ये तो देख रहा कि जी असीं किस तरीके नाल अपनी कुर्सी और कुर्सी इन्हां दी मंशा वा कि जी सानू किसे तरीके दे नाल कुर्सी मिल जाए पंजाब दी, होर इन्हां नूं लोकां दे नाल जनता दे नाल कोई लेना देना नहीं। आ सोशल मीडिया दे बैठ के इन्हां सरकारां चलाईआं, दिल्ली अपना 800 करोड़ का मीडिया का एडवरटाइजमेंट का बजट है, तो लोगों लिए ऑक्सीजन नहीं है कर सके। सो हम सारे के सामने आए तो लोग हूँ कोई अंजान नहीं है जी, लोग पली पत्ती समझते हैं कि इतने राजनीति कर रहा, कि मसले को अंजाम तक पहुँचाना चाहता वा। सो ये जी जो गोलीकांड वाला मसला वा, अज मैं ढाडे चैनल के जरिए यह आश्वासन दवा रहा सारे पंजाब वासियों को कि जड़ा है जल्दी हल होएगा और इलैक्शन तो पहलों यदा रिजल्ट असं देवे जी। बिल्कुल खुल्लर साहब, विरोधी तो कह रहे हैं कि ता ही टाइम पाया गया है क्योंकि होर 6-7 महीने तक इलैक्शन है, कैप्टन साहब ने ता ही यह टाइम पाया कि आने वाले समय से नाल लोगों को एक तोहफा टाइप दिता जाए ता कि वो फिर इसे ते अपनी इलैक्शन जीत सकन 2022।
पर जी विरोधियों का काम है रौला पाना। तुम देखो आप नौ चलान पेश करते क्लोज टू दे आप बिल्कुल इन क्लोज करन दे उते आ गए सी इन्वेस्टिगेशन नू दसवां चलान सिट वालों पेश किया जाना सीगा। हुण जे एक हाई कोर्ट मानयोग हाई कोर्ट दे देखो मैं फैसले ते कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, हालांकि सीएम साहब ने भी कहा कि सियासी प्रेरित फैसला वा ये पोलिटिकल फैसला वा क्योंकि जिहड़े उहदे च फैक्ट्स आ तुसीं भी रिपोर्ट चलाई अपने चैनल ते असीं भी देखे हले कि सिट ने कोई अकाली दल दा उत्थे नाम नहीं लिया, कोई सरदार सुखबीर सिंह बादल जी दा या वड्डे बादल साहब दा कोई उहदे च जिक्र नहीं सी, बट उन्होंने जिहड़ी जजमेंट दित्ती आ उहदे च उन्होंने वह सारे पॉइंट्स बयान दा उहदे ते रखते। सो आपां कोई टिप्पणी नहीं करते, जो मानयोग हाई कोर्ट ने फैसला देता वह सानू मान्या और उहदे ते असीं मान्या वा कि जी असीं नवीं सिट बना के इहदा करांगे। विरोधी सिर्फ मैं तुहानू अगे परम जी दस्या यह लाहा लेना चाहते हैं गल्लां दा, यह सियासी रोटियां सेक रहे ने जो कि इन्हों नहीं करना चाहिए। यह बड़े संवेदनशील मुद्दे होंगे आ, इस वेले आपां नू करोना ना सारे आप महामारी ना जंग लड़ रहे हैं, ये सिर्फ राजनीति कर रहे हैं गोलीकांड नू लैके, कदी उत्थे धरना लाता कदी सीएम साहब दे कोठी मूहरे धरना लाता कदी उत्थे चले गए हुण बरगाड़ी वर्गा धरना फिर उत्थे कर रहे हैं। ये गल्लां तो परहेज करना चाहिए, ये विश्वास रखन कि असी जिहड़ा हैगा वा दोषियों नू सजा दवा के रवांगे, उहदे च बिल्कुल पंजाब सरकार पंजाब कांग्रेस कमिटेड हैगी है। खुल्लर साहब जेकर गल कीती जावे पंजाब दे मुद्दियां दी, तुसी किसानी मुद्दा कहा है नाल तुसी बेअदबी गोलीकांड दा कहा है नाल नशे दा भी मुद्दा हैगा है, विरोधी कितना कितने कहिंदे ने भी हाले भी लक नहीं टुटा नशे दा, की लगदा है जेकर चौथा फ्रंट जे कोई बनदा है तां ओह जेकर लारियां दी गल करदे जेकर चौथा फ्रंट बनदा है ओह भी लारे ला के चोणां जित जांदे ने कि असीं बेअदबियां दे जो है गोलीकांड दा इंसाफ दवावांगे जिन्ने भी पंजाब दे मसले ने ओह हल करांगे, की लगता है कि अजिहा माहौल आने वाला है कि चाहिए नहीं है कांग्रेस को कि ये जो मसले ने ये पहला पहला हल कर लैन ताकि इसका कोई लाहा बाहरों आके ना खट सके, क्योंकि जिस तरह तुसी आप ही कहा हुक और क्रुक दोवां पक्षां दे नाल ओह सरकार बनाउणा चाहुंदी है चाहे जिथे भी होवे जिहड़े भी सूबे दे विच होवे, लगता है कि आने वाले समय दे विच इहदा भी कोई लाहा खट सकदा। परम जी देखो जिहड़े एक वादे असीं मैनीफेस्टो च कीते आ चाहे वह स्मार्टफोन्स दा वा चाहे वह स्लम डिवेलप डिवेलपर स्कीम असीं लैके आए हैं, अर्बन डिवेलपमेंट दे प्रोजेक्ट लाए ने, चाहे वह रोज़गार की गल है देखो 2 लाख सरकारी रोज़गार आपां दे रहे हैं तुसीं देखो सारा चल रहा, चाहे वह राशन की गल है हुण कोविड च असीं फतेह किट्स दित्तियां हुण फूड किट्स आपां पहुँचा रहे हैं, ठीक है जी। हॉस्पिटल्स का देखो पिछला कोविड 19 बड़े सीएम साहब की और सारी टीम की सूझबूझ नाल असी संभालिया वा, हुण भी उत्ते रेगुलर काम हो रहा वा, डे टू डे रिव्यू हो रहा वा, एक्सपर्ट्स नाल मीटिंग हो रही ने। नशे की गल देखो आपां परम जी इन्ने अटैच प्रॉपर्टियां 600 करोड़ तो ज़्यादा प्रॉपर्टियां अटैच कीतियां वड्डे वड्डे मगरमच्छा दी मैं गल कर रहा और 39,000-40,000 दे बंदे दे केस रजिस्टर किया जिदे च 10-12,000 नू कन्विक्शन हो गई है बाकी केस चल रहे ने। सो जिहड़ा लक तोड़न की गल है जी असी तो नशे का बहुत लक तोड़िया वा, 7-7.5 लाख के करीब असी डी एडिक्शन सेंटर च ड्यूरिंग कोविड असी जिहड़े नशा मुक्त केंद्रा च जिहड़े हैगे आ नौजवान उन्हां दी लत छुटाई है और उन्हां नूं स्किल डिवेलपमेंट वाले पासे तोरिया वा। सो जिहड़ा हैगा वा हर एक फ्रंट ते असी काम कर रहे हैं, जो 10 साल पहले अकाली दल जो बीजेपी हाल करके गई है सरकार का खजाने का वह सारे आपां नूं पता वा, असी उन्हूं बड़े तरीके दे नाल चाहे वह एजुकेशन सैक्टर है हैल्थ सैक्टर है चाहे वह राशन कार्ड स्कीम है चाहे स्कॉलरशिप स्कीम है वह सारिया ते असी काम कर रहे हैं। आशीर्वाद स्कीम का देखो तुसी 51,000 रुपया करता सारा, जे कोई भर्तियां की गल है वह कर रहे हैं, जे रोजगार मेले ने वह लाए ने। सो ये सारे ते काम चल रहा वा, बाकी जिहड़ी ऑपोजिशन मैं ते दोबारा रिपीट कर रहा जी ये ते कोई ना कोई इन्हां दा काम हैगा वा कि जी मुद्दा फड़ के सिर्फ देख रहे हैं कि सपना कि जी असीं 22 च कुर्सी किवें हथियाउणी आ जो इन्हां दा पूरा नहीं होना। लोग पंजाब दी जनता अज भी सीएम साहब नाल पंजाब कांग्रेस नाल खड़ी आ, उन्हां नूं विश्वास आ सीएम साहब ते कि जिहड़ी ये गल कर रहे उन्हां नूं पूरा करनगे। खुल्लर साहब साडे नाल बने रहना, साडे नाल नील गर्ग भी जुड़ चुके ने आम आदमी पार्टी तो जी पंजाब हरियाणा हिमाचल ते, गर्ग साहब बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा। धन्यवाद सर। सर गल कर रहे अज बंगाल दी, पांच सूबियां दे विच चार सूबे ने एक केंद्र शासित सूबा है पुंडचेरी, पांच सूबियां दी अज असीं गल कर रहे हां कि आखिर बंगाल दे विच किस दी सरकार बनेगी ते बाकी तमिलनाडु केरल दे समीकरण असीं देख रहे हां। हालांकि टीएमसी 142 ते चल रही है, दर्शकों नूं दस दईए कि जो 116 ते बीजेपी है जो कांटे की टक्कर है वह बंगाल दे विच वैसट बंगाल दे विच चल रही है।
ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਗਰਬ ਸਾਹਿਬ ਜੇਕਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹਾਲਾਂਕਿ ਟੀਐਮਸੀ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਕਾਫੀ ਡਾਊਨ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 100 ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੀਟਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਉੱਥੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਅਸਰ ਪਾਉਣਗੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ देखो सर जितों तक यानी कि अज इन्हां नतीजों का संबंध है भावें पंज सूबियां दे नतीजे आ रहे हैं पर सारे लोगों की जिहड़ी अख हैगी है जां नजर हैगी है वह वेस्ट बंगाल के उत्ते लगी हुई है। उहदे पिछे कारण एक है, एक बन्ने बीजेपी की ध्रुवीकरण की राजनीति हैगी है और दूसरे बन्ने वह राजनीति हैगी है जिहड़ी कि इस ध्रुवीकरण नूं रोकना चाहुंदी हैगी है और बीजेपी ने आपकी ध्रुवीकरण की राजनीति 2019 तो बाद ही शुरू करती थी जो उसने सिटी अमेंडमेंट बिल लैके एक्ट लैके आंदा जिस तरीके की राजनीति उन्होंने वेस्ट बंगाल दे विच कीती जिस तरह की राजनीति उन्होंने असाम दे विच कीती अज देखना होगा कि लोगों ने किस राजनीति नूं पसंद किया। पर मैं इत्थे एक देखना मतलब इस चीज़ नूं देख रहा है चलो ठीक है टीएमसी की पहले 10 साल सरकार रही अज भी एक ममता बैनर्जी एक जुझारू नेता के तौर के उत्ते जिहड़ा हैगा उत्थे टीएमसी का मुकाबला कर रही है क्योंकि उत्थे सिर्फ वो टीएमसी की लड़ाई नहीं है बल्कि उन्होंने लोगों की भी लड़ाई है जो बीजेपी दी इन्हां नीतियां कार जिसने मुल्क नूं खेरू खेरू किया भाईचारक सांझ नूं जिहड़ा हैगा उसको खेरू खेरू किया ते उसके खिलाफ लड़ रहे ने पर इत्थे जिहड़ा कांग्रेस का जिहड़ा रोल रहा हैगा वह बड़ा ही जानी के आप कह सकते हैं कि मतलब अप टू मार्क नहीं रहा। वैसे तो अज तुसीं देखो पूरे हिंदुस्तान दे विच जानी कि एक अद्धे मुल्क नूं छड्ड के पंजाब हैगा जेकर तां होर मुल्क हैगा उस नूं छड्ड के जिहड़ी है कांग्रेस बिल्कुल इररेलेवेंट हो चुकी है और जिथों एक बारी गई उत्थे कदे इह दुबारा सत्ता दे विच आ भी नहीं सके पर असीं ते 2019 दे विच वी इहनां नूं बहुत आख्या सी केजरीवाल साहब ने बहुत आख्या सी कि जिस तरीके की जिहड़ा हैगा ध्रुवीकरण की राजनीति धर्म की राजनीति बीजेपी कर रही है जेकर दुबारा इह जोड़ी अमित शाह मोदी की आ जाती है तो मुल्क लिए बहुत घाट सिद्ध होगी सारे इकट्ठे मिलकर लड़िए। गर्ग साहब गर्ग साहब इतने दो मिनट तुम रोकना चाहवागा साढ़े नाल बीजेपी तो डॉक्टर सुभाष शर्मा जनरल सकत्तर पंजाब भी जुड़ चुके ने जी पंजाब हरियाणा हिमाचल से शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। थैंक यू भाई साहब। हाँ जी गर्ग जी तुम कॉन्टीन्यू कर सकते हो जी तरह की राजनीति हैगी असि उस वक्त भी कांग्रेस को आख्या कि सारे मिलकर इस चीज का मुकाबला करना चाहिए पर लगता है कि कांग्रेस ने तो जिम्मे धाइया ही किया हुआ है कि बीजेपी की हमायत करना वह हालात अभी वेस्ट बंगाल के भी देख रहे हैं जितों तक पंजाब का संबंध हैगा तुम देखो जो पी के है प्रशांत किशोर उन्होंने यह गल कही सी कि दिल्ली यानी कि वेस्ट बंगाल के बीजेपी दी 100 तो घट सीटा रहनगिया जे 100 तो वध सीटा आउंदियां ने तो वह यह फील्ड ही छड्ड देणगे पर जो यानी कि रुझान दिखाई दे रहे ने वह तो लगता है कि उत्थे 100 तो वध सीटा आउणगियां ते मैनूं लगता है कि हुण पीके दा जिहड़ा हैगा बोरिया बिस्तरा वह शायद पंजाब के भी गोल हो जाएगा क्योंकि कांग्रेस अज की डेट च रेलेवेंट रही नहीं है उस पंजाब के भी जो असि जिस तरीके देखिए जेडे मुद्दे लैके यह सरकार उस वक्त यानी कि प्रशांत किशोर दवावान लैके जिस तरीके लोगों इन्होंने जुमलेबाजी की मूर्ख बनाया चाहे घर घर नौकरी की गल सी चाहे नशियां के नक् तोड़न की गल सी चाहे खुदकुशियां रोकण की गल सी चाहे तुसीं दलितों के उत्थान की गल सी हर मुद्दे के उत्ते कांग्रेस ने लोगों को पिच किया है और पंजाब के भी मैनू लगता है उत्थे जो टीएमसी का उत्थे यानी कि वेस्ट बंगाल के जिहड़ा है कांग्रेस का हाल होया उही हाल पंजाब के कांग्रेस का होने वाला है यह सब नूं पता दीवारां के उत्ते लिखा होया। गर्ग साहब तुसीं प्रशांत किशोर होरां दी गल कीती है तां दिल्ली दे विच वी प्रशांत किशोर होरां ने तुहाडी मदद तां कीती सी जी मैं इस तो डिनाई नहीं करता कि उन्होंने मदद की वो तो एक बेसिकली स्ट्रेटजी मेकर हैगे है और स्ट्रेटजी बनाउंदे हैगे है तां फिर जे कांग्रेस ने ले लिया तां की गलती कर ली है जी नहीं तो सलाह लै ही सकदे ने उन्हां दी हाँ मेरी गल तो पूरी कर दियो ना सर बिल्कुल तुहाडी गल सच है उन्होंने सवावां कोई भी लै सकदा सवावां एक पोलीटिकल पार्टी लैंदी हुंदी है सवावां सरकार थोड़ा लैंदी हुंदी है लोगों के टैक्स पेयर के पैसे के उत्ते नंबर एक नंबर दो जे दिल्ली के विच असीं उन्होंने सवावां लईआं दिल्ली की असीं कोई जुमलेबाजी नहीं की दिल्ली के विच असीं लोगों के विच गए लोगों नूं इह आख्या कि असीं कोई इह नहीं कीता कि असीं चंद्रमा दा ताड़े तोड़ लिया परम जी इहनां नूं पुछो कम्म की कीता दिल्ली के विच इहनां ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਵਾਂਗੇ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ
ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਤੇ ਲੈਣ ਦਿਓ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀਆਂ ਸਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2020 ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿਓ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਮੁੱਦਾ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਜਾਨੀ ਕਿ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਪਾਓ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ, ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਾਫੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਉੱਥੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਨੇੜ ਤੇੜੀ ਹੈ, ਕਾਂਟੇ ਦੀ ਟੱਕਰ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਹਿਣੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਚੁਣਾਵ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਸਿਰਫ ਆਸਾਮ 'ਚ ਸੱਤਾ 'ਚ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ 'ਚ ਵਾਪਿਸ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪੁੱਡੇਚੇਰੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ ਪਲਟ ਕੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਵਾਪਿਸ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 3 MLA ਸੀ, ਅਸੀਂ 4 ਨੰਬਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ। TMC 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਲੈਫਟ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਸੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੰਬਰ 4 ਤੇ ਸੀ, 4 ਤੇ ਵੀ ਕਾਹਦੇ 3 MLA ਸੀ। ਨੰਬਰ 2 ਔਰ ਨੰਬਰ 3 ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਲਾਇੰਸ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਸ 'ਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਲੈਫਟ ਨੇ। ਨੰਬਰ 2 ਔਰ ਨੰਬਰ 3 ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੰਬਰ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਾਉਂਡਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ 2 ਘੰਟੇ ਹੋਰ ਬੀਤਣ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਡੇਚੇਰੀ ਸੱਤਾ ਪਲਟਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਈਵਨ ਕੇਰਲਾ ਔਰ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, 5 ਸੀਟਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਕੇ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਕੇ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਬੀਜੇਪੀ 'ਤੇ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਕਦੀ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸਾਮ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅੱਜ ਬੰਗਾਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਔਰ ਕੇਰਲਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ 5 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤਹੀਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੀ ਮੋਹਰ ਸਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਵੋਟ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਸੀਟਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, 10 ਸਾਲ ਤੋਂ TMC ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਨੀਲ ਗਰਗ ਹੋਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਏ ਹੁੱਕ ਔਰ ਕਰੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਹਰ ਕਿਤੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਧਿਰ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ, ਨਾ ਤੇਰਾਂ 'ਚ, ਨਾ ਪਲੇਅਰਾਂ 'ਚ, ਨਾ ਸਪੇਅਰਾਂ 'ਚ, ਨਾ ਗਿਟਕਾਂ 'ਚ, ਨਾ ਬੇਰਾਂ 'ਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਬੰਗਾਲ 'ਚ? ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਜਨਤਾ ਕਿਉਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਡੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 3 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਦੀ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਇੱਦਾਂ? ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੰਗਾਲ ਵਰਗੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਲੈਫਟ 34 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 35-36 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਮਮਤਾ 10 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ 3 ਕਾਰਨ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ 34 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਲੈਫਟ ਦਾ ਜੋ ਮਿਸਰੂਲ ਸੀਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ TMC 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਪ ਦਿਖੀ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ 'ਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਗਰੀਬ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਬੀਮਾ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਦਿਆਂਗੇ, ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਚਲਾਈ। ਚੰਗੀ ਸਕੀਮ ਸੀ ਨਾ, ਹਰ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਡ ਬਣਦਾ, ਉਹਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ 6000 ਰੁਪਇਆ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ, 1 ਏਕੜ, 2 ਏਕੜ, 3 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਲਈ 6000 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
लगभग 11 करोड़ किसानों के खाते चो पैसे जा रहे ने। ममता बैनर्जी ने कहा नहीं, मैं पश्चिम बंगाल के किसानों के खाते च नहीं आन देंगी। जिस प्रकार का रवैया ममता बैनर्जी का रहा, लोगों को लग्या कि यार केंद्र सरकार जो फायदा देना चाहती है वह भी नहीं पहुंचा रही ममता बैनर्जी। और आप की किया तुसी देखो जाकर के बंगाल च, मैं तो बंगाल च समय लगा के आया, लगभग 1.5 महीना मैं बंगाल चा, उत्थे कोई काम जे तुसी अपना घर भी बनाना है ना तुहानू उत्थे कटमनी देनी पएगी टीएमसी दे लोगों नूं। टोलाबाजी, कटमनी, माफिया, इस प्रकार दा सिंडिकेट, इस प्रकार दी भ्रष्ट उन्होंने भ्रष्टाचार नूं एक इंस्टीट्यूशनलाइज करता। और जिस प्रकार दा शोषण बंगाल दी जनता दा होया, ये जिहड़ा मैंडेट बीजेपी नूं आ रहा है, जिहड़ा 3 सीटां तों वध के अज बीजेपी बंगाल च टक्कर दे रही है पूरी टीएमसी नूं, उहदे पिछे कारण इह है कि जनता नूं लग्या ना तां कांग्रेस टीएमसी नूं टक्कर दे पा रही है ना लैफ्ट। पता नहीं गल कही ओपोजिशन जदों सरकार तों लोग दुखी हुंदे आ ना उह ओपोजिशन पार्टी वल देखदे आ जी। बिल्कुल, बंगाल च प्रिंसिपल ओपोजिशन सी लैफ्ट, उस तों बाद ओपोजिशन सी कांग्रेस, दोनों कठिया हो गई। लोगों नूं किहदे वल देखना चाहिए सी, अगर ममता तो दुखी भी सी इन्हां वल देखना चाहिए सी। लेकिन 5 साल च इन्हां पार्टियां दा रवैया ममता बैनर्जी दे कुशासन दे खिलाफ इन्हां दे मुंह चों आवाज़ नहीं निकलदी सी, आवाज नहीं निकली इन्हां दे मुंह चों। इस करके नतीजा देख लो, ये दोनों पार्टियां मिलकर भी दहाई दे आंकड़े ते नहीं पहुंच पा रही, डबल फिगर च भी नहीं पहुंच पा रही, जिन्हां दा लगभग 70 साल इन्होंने राज किया है कांग्रेस और लेफ्ट ने लगभग बंगाल डबल डिजिट च नहीं है। और ममता बैनर्जी नूं टक्कर भारतीय जनता पार्टी दे रही है। खुल्लर साहब, ना 3 चो ना 13 चो यह गल कही गई है डॉक्टर सुभाष होना वालों, क्योंकि पंजाब चलो मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह हैगे ने कांग्रेस के, पर जेकर वेस्ट बंगाल की गल करिए 5-6 सीटां ते ही सिमटिया जा रहा है काम, क्योंकि 152 जो है वो टीएमसी पार कर चुकी है फिलहाल अनुमान के हिसाब से। कांग्रेस है लेफ्ट और कांग्रेस ही तो एक अद्धी होनी है जी। बिल्कुल जी जी बिल्कुल, कुछ भी लेफ्ट कांग्रेस अलायंस है नॉट कांग्रेस जी। खुल्लर साहब जवाब ले लेने जी, खुल्लर साहब जी जी डॉक्टर जी एक मिनट होना जवाब ले लेंदे हो, तुहाडे विच कोई नहीं बोलिया है जवाब दे लेंदे हो। हां बिल्कुल बिल्कुल जी खुल्लर साहब, गल आ परम जी देखो इन्हों का हंकारी रवैया किस तरह वध के बोलते हैं, स्पेयरां चो नहीं प्लेयरां चो नहीं। तुसी इन्हां नूं पुछो उत्थे किहड़ी तुसी डिवेलपमेंट कीती है बंगाल दे विच, जो हीरोइन हीरो जो तुसी टीएमसी दे बंदे उत्थे खरीदे, एमएलएआं नूं टिकटां दित्तियां, अपने मंत्री सेंटर चो उत्थे उतारे है, तुसी गल्लां करदे हो मुद्दियां दीआं, राजनीति तुसी धर्म दी करदे हो, डिवाइड एंड रूल दी तुहाडी पॉलिसी है, हिंदुस्तान बाहर दा फॉरन जिथों तुसी तालियां वजवाउंदे सी अज तुहाडे मूंह ते थुक रिहा वा सेंटर सरकार दे कि की तुसी हिंदुस्तान दा हाल करके रखता अज करोना, जिथे बैठ के गल्लां मारदे हो कि स्पेयरां चो नहीं तेरां चो नहीं। ये हंकार छड दो, किसानां दा जो हाल तुसी उत्थे कीता बार्डरां ते बैठे हो सारी दुनिया दे सामने है। जे आपां किते पैसे दा सारा बल प्रयोग तुसी उत्थे कीता, जो पैसा हैलीकॉप्टर इलैक्शन कमीशन नूं पपेट बना के तुसी यूज कीता, 8 फेसां तुसी अपने हिसाब नाल इलैक्शन कराई जिवें तुहाडा सूटेबिलिटी क्राइटेरिया सी है, 70 तों वध रैलियां अमित शाह होरी करदे ने, मोदी जी जांदे ने 25-30 रैलियां वह करदे ने ताबड़तोड़, जो पैसे दी तुसी उत्थे धर्म दी पैसे नाल राजनीति कीती है उस किसे तो ओले नहीं हैगा। सो अज हले रिजल्ट आउण दे, एडा अहंकार चंगा नहीं हुंदा कि आपां छाला मारी जाइए सोफे तो उठ के कि जी असीं सरकार बना लईए 3 चो नहीं 13 चो नहीं। ठीक है जिथे साडा फेलियर होगा असीं पार्टी आत्म मंथन करेगी, तुहानूं इहदे च की तकलीफ हो रही है? बिल्कुल मैनूं इह दसो तुसीं कीता की है हिंदुस्तान लई, किथे आ 2 करोड़ नौकरी है? तुसीं ते जिहड़ा करोना दी कि मेडिसिन ते GST लाते सारिया ते बाहर अपनी वाह वाही खट्टन लई 6.5 करोड़ मेडिसिन बाहर भेजती तुसीं वैक्सीनेशन, अज हालात यह ने कि लोगों नूं वैक्सीनेशन लई तरस रहे ने, बाहर लोकी जमीन ते मर रहे ने, यह तुहाडा इंफ्रास्ट्रक्चर है? 2.5 लाख करोड़ तुहाडा हैल्थ का बजट है, 8 लाख करोड़ तुसीं NPA नूं माफ कर देंदे हो है, कोई शर्म आनी चाहिए है तुहानूं यह गल करदे आ कि BJP ने बहुत वधिया काम किया जी। बिल्कुल खुल्लर साहब, नीलकर को ना को चलदे आम आदमी पार्टी तो भी साडे नाल जुड़े ने जी। नीलकर जी किवें देखदे हो जो डॉक्टर सुभाष होना ने जवाब दे दिया पहला जी? बिल्कुल आने जी तुहाडे कोल आवांगे डॉक्टर साहब, तुहाडे कोल आवांगे, नीलकर जी को जवाब ले लैने जी। नीलकर जी किवें देखदे हो ये सारे समीकरण नूं, जो कुछ बयान डॉक्टर साहब वालों दिते गए ने जां प्रिंस खुल्लर होना वालों दिते गए ने? देखो डॉक्टर साहब जो कह रहे ने बहुत वड्डे वड्डे क्लेम कर रहे ने, ठीक है इन्हां दी सीटां पहलां नालों काफी वधिया ने, इन्हां नूं ये क्लेम करना बनता है अज दी डेट दे विच, इन्हां नूं इस चीज़ दी वधाई भी असीं दिंदे हैगे आ, पर सानूं ये नहीं भुलना चाहिए
ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਕਿਤੇ ਭਰਪਾਈ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭਖਾਰੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰ ਪਾਵਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇਸ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਐਕਸਪਰਟ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਜੋੜੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਜੋੜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ 'ਚ ਫਸੇਗਾ ਜਿੰਨਾ 'ਚੋਂ ਕਦੇ ਨਿਕਲਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆਮ ਲੋਕ ਏਜੰਡੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡੇ 'ਚ ਹੈਗਾ ਧਰਮ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਧਰੁਵੀਕਰਨ। ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 6,000 ਰੁਪਇਆ ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਦਾ ਦਿੰਨਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਕਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ 500 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਗਰੂਹਾਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਈਵਨ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਿਤੇ ਔਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਗੁੱਡੀ ਗੁੱਡੀ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਅੱਜ 400 ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਗਰੂਹਾਂ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਠੀਕ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੇ ਅੱਜ 2 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ GST ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਇਹ 15 ਲੱਖ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੈਂ ਖੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਕਤਵਰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਕਤਵਰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ 5-6 ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਜਿਹੜਾ 3-13 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ 3-13 ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਸੇ 3-13 ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਹ ਪਿਆ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂਗੇ 'ਚ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸਵਾਰੀਆਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉੱਤੇ ਉਹੀ 7-8 ਸੀਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਰਫਤ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਤੀਜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਹੈਰਾਨਕੁੰਨ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਖਾਣੀ ਪਏਗੀ। ਹਾਲੇ ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਰਫਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ, ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਬਚਾਇਆ। ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਇਸ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਰਡ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਨੀ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਉਸਰ ਖੜੇਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੱਜ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੈਗੇ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਣੇ ਜੀ ਕਰੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਨਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ 3 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਦੀ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਵੰਡ ਪਾਉ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 100 ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਗਏ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਫੇਲੀਅਰ ਤਾਂ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦਿਖਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ। ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਫੇਲੀਅਰ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ, ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਗੱਲ ਤੇ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਆਉਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਦੋਨੋਂ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ 'ਚ 168 ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੁੱਤੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ
एक साल पहला केंद्र सरकार ने पंजाब नूं दित्ते सी तुहाडे चैनलां ने दिखाया 250 वेंटीलेटर अनयूटिलाइज्ड पए ने स्टाफ ही भर्ती नहीं कर सके वेंटीलेटर नूं चलाने इहदा जवाब लै लैणा सर मेरे सब्जेक्ट है अगर सूबे च हस्पतालां नूं अपग्रेड करना है किन्ने करना सी अगर अज पंजाब च ऑक्सीजन नहीं मिल रही अगर अज पंजाब च वैक्सीन का ऑर्डर कैप्टन साहब ने देने तो बाद भी पेमेंट नहीं की थी पंजाब में 38 लाख वैक्सीन असि दे चुके हैं 38 लाख वैक्सीन और जो 1 लाख वैक्सीन लिया नहीं यूटिलाइज पे है केजरीवाल साहब की नलायकी देखो हाईकोर्ट कह रही है केजरीवाल नु कि तुहानू हटा के केंद्र नु दे देना चाहिए आम आदमी पार्टी का एमएलए शोएब इकबाल आम आदमी पार्टी का एमएलए कल कह रहा है कि राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए नलायकी तुहाडी है नलायकी प्रदेश सरकार की है जिन्होंने केंद्र की मदद के बावजूद केंद्र की फंडिंग के बावजूद ना तो अपने ना मेडिकल स्टाफ ना उन्होंने कोई डॉक्टर साहब मैं उही पूछ रहा सीगा तुहाडे तों कि मदद केंद्र ने दित्ती कदों है हर नलायकी नूं तुसीं केंद्र सरकार से पाउणा चाहुंदे हो अज पंजाब वेंटीलेटर स्टेट सरकार ने देनी सी केंद्र सरकार ने देनी सी कितने ना तुहाडियां एंबुलेंसां दसो ना मैनू तुहानू शर्म नहीं आउंदी बैठ कर दे कहिंदिया नू पंजाब की जनता त्राही त्राही कर रही है तुहाडा कैप्टन अमरिंदर की कर रहा है पिछले एक साल तो तुहाडा सेहत मंत्री की कर रहा है हाईकोर्ट केजरीवाल नूं पुछ रहे तू की कर रहे तुहाडे मोदी जी की कर रहे है मोदी जी की कर रहे है पिछले 7 सालां तों डीमोनेटाइजेशन एनआरसी सीसीए नोटबंदी की कीता देश बच रहा की कीता तू झूठ और अपनी राजनीति दीआं एडवर्टाइजमेंटां तों अलावा अज तक इक पीसी नहीं कर सके डड्डे मोदी गल्लां मारदे उत्थे बह के इक वैक्सीन नहीं लै सके अज तक खरीद सके गल्लां मारदे ओ 14 करोड़ वैक्सीन भेजिया ਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 38 ਲੱਖ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੁਭਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਡਾਟਾ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਲਿਆਓ ਆਪਣਾ ਡਾਟਾ ਪੜ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 30 ਲੱਖ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੇਮੈਂਟ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੈਕਸੀਨ ਪਰਮ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ जिहड़े प्लांटां दी गल करन डे आ अक्तूबर और दिसंबर दी सेंटर गवर्नमेंट दी असीं संसदीय कमेटी च जे माकन जी ने इन्हां नूं कहा 40 वार जिक्र कीता कि सेकंड स्ट्रीम साहब एक एक करके आपां गल करदे आ डॉक्टर साहब एक एक करके गल हो रही है एदां गल नहीं रौले च गल नहीं होणी आ जा सकदा जवाब दो जी जवाब दो दे रहे सी जी बिलकुल 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 जवाब उन्होंने बाद च लवांगे करो पूरी गल पूरी करो इसलिए मेरा यह कहना है अज की जी चर्चा है अपनी कोरोना महामारी से सानू पॉलिटिक्स करने की इस वे कोई लोड़ नहीं है ये ब्लेम गेम जो अभी पवेंगे असं कोरोना कदी हरा नहीं सकते कोरोना हराने लिए समाज नू मीडिया नू राज सरकार नू केंद्र सरकार नू सब नू एकजुट होकर काम करने की लोड़ है तो असं हरा सकांगे तो जे असं इदा शुरू कर देंगे तो इन्ना चार गल्ल मेरे को 10 गल्ल इसलिए अज की जी चर्चा है अज आप चर्चा यह करिए कि जो इलेक्शन रिजल्ट आ रहे हैं मैं हम उत्ते वापिस आना है मैं उस डिस्कशन ज्यादा जाना नहीं पुल्लर साहब यह कह रहे कि मोदी जी ने बहुत रैलियां कीतियां अमित शाह ने बहुत रैलियां कीतियां भाई साहब बीजेपी की जिम्मेदारी है साडे नेता रैलियां करन हुण जे राहुल गांधी जी पहले 3 फेस पहले 4 फेस बंगाल च गए नहीं तो क्या बीजेपी की जिम्मेदारी से राहुल गांधी रैलियां ऑर्गेनाइज कर दी उत्थे कि राहुल गांधी जी आओ तुसीं भी रैलियां करो कांग्रेस नूं मजबूत करो पंजाब नूं लैके की रणनीति है बीजेपी दी डॉक्टर साहब आखिरी सवाल है पंजाब नूं लैके की रणनीति है अगर इन्हां तुसीं दसो पंजाब दे किन्ने सुनो मेरी गल पंजाब चो किन्ने इन्हां ने बनाए सीगे कांग्रेस पार्टी ने स्टार प्रचारक नवजोत सिद्धू स्टार प्रचारक सी कैप्टन अमरिंदर स्टार प्रचारक सी एक दिन एक घंटे लिए भी बंगाल गए अगर इन्हां दे नेता मेहनत नहीं कर रहे अगर इन्हां दे नेता इलेक्शन कैंपेन ऑर्गेनाइज नहीं कर रहे अगर इन्हां दे स्टेटां दे तुसीं देखो बंगाल केरला च की होया केरला च हमेशा सरकारां बदलदियां सी कांग्रेस पार्टी की नलायकी देखो दोबारा लैफ्ट वापिस आ रहा है अगर असी खड़े ना होए होंदे बंगाल च ते उत्थे भी इन्हां दा सरेंडर सी असाम च इन्हां दा सरेंडर है ही है इस करके
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇ ਭਾਈ ਜਾਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਬੜੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਬੀਜੇਪੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੀਕਰਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਕਮੋਬੇਸ਼ ਉਹੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਨਿਕੰਮੇਪਨ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਕੰਮੇਪਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਖੁੱਲਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਨੀਲ ਗਰਗ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜੁੜੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ